तो पिछली वीडियो में तोजी फुशिगुरो के बारे में बात करने के बाद आज हम बात करने वाले हैं सुगुरु गेटो के बारे में, जो कि अपने गोजो सेंसेई का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है। तुम ये भी कह सकते हो कि ये दोनों लंगोटिया यार हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली ये जानेंगे कि गेटो कैसे एक अच्छे इंसान से विलेन में कन्वर्ट हो गया, जिस वजह से कैसे इस बंदे की एट द एंड मौत भी हुई। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो गेटो हमें इंट्रोड्यूस होता है हिडन इन्वेंटरी आर्क के दौरान, और कुछ ही टाइम में हमें ये क्लियर कर दिया जाता है कि गेटो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इवन गोजो के कंपेरेबल है एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम तक। क्योंकि जब ओताइमे और मीमी एक कर्स को एक्सोसिस करने के लिए एक मिशन पर होते हैं, तो गोजो और गेटो दोनों ही अपने एक एक अटैक में उन दोनों को उस कर्स के ट्रैप से बाहर भी निकालते हैं और साथ ही साथ उस कर्स को खत्म भी कर देते हैं, लाइक इट वॉज अ चाइल्ड्स प्ले। लेकिन ऐसा करने के दौरान गोजो, गेटो और शोको, जो कि सेकंड ईयर्स थे, बैरियर लगाना भूल जाते हैं, जिस वजह से ये इंसिडेंट न्यूज तक में आ जाता है। एज अ रिजल्ट इन तीनों को डांट पड़ती है। पर जब ये तीनों अकेले में बैठे होते हैं तो गोजो ये क्वेश्चन करता है कि आखिर जरूरत क्या है कर्टेंस लगाने की, क्या फर्क पड़ता है अगर रेगुलर लोग हमें देख लें तो ऐसा करते हुए। लेकिन गेटो इसके रिप्लाई में ये बोलता है कि ये जरूरी है जिससे कि रेगुलर लोगों का पीस ऑफ माइंड बना रहे, और इस चीज से साफ क्लियर हो जाता है कि गेटो कितनी ज्यादा चिंता करता है रेगुलर लोगों की। इसके बाद गोजो ये बोलता है हाँ हाँ वो सब तो सही है, लेकिन ये काफी बड़ा पेन है कमजोर लोगों की हिफाजत करना। जिसकी रिप्लाई में गेटो अभी भी यही बोलता है कि सोसाइटी को वीक लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और स्ट्रांग लोगों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि जुजुत्सु बना ही है नॉन जुजुत्सु यूजर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिस पर गोजो बींग लाइक गोजो वो कैजुअली ये बोल देता है आई हेट दिस सिस्टम। और तभी एंट्री होती है प्रिंसिपल यागा की, जो कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर गोजो और गेटो के टीचर थे, और तभी उन्हें ये मिशन दिया जाता है कि मास्टर टेंजन के लिए स्टार प्लाज्मा वेसल को, यानी उस लड़की को एस्कॉर्ट करा जाए, जिसकी की बात मैंने इस वीडियो में भी की थी। और इन सब के बीच हुई कन्वर्सेशन के दौरान हमें ये पता चलता है कि मास्टर टेंजन जो है वो ऐसे तरीके की कर्स टेक्निक पजेस करते हैं जिसकी वजह से वो एक तरीके से इमोर्टल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी या फिर रुक जाएगी, जिस वजह से एक सर्टेन एज के बाद उन्हें अपनी बॉडी चेंज करनी पड़ती है। और ऐसा ना करने पर मास्टर टेंजन रहेंगे ही नहीं, एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो इज कि मास्टर टेंजन ह्यूमैनिटी के ही एनिमी बन सकते हैं, यानी वो बंदा जो कि यूं समझ लो जुजुत्सु वर्ल्ड का एक तरीके से स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, जो कि कई तरीके की जिम्मेदारियां संभालता है, वन ऑफ देम इज बैरियर टेक्निक्स, वही बंदा अगर एनिमी बन जाए तो क्या ही होगा। तो इसलिए हर 500 साल में मास्टर टेंजन को एक न्यू बॉडी यानी स्टार प्लाज्मा वेसल की जरूरत पड़ती है, जिससे कि वो अपनी बॉडी इन्फॉर्मेशन को रीराइट कर सके। अब उस लड़की को एस्कॉर्ट इसलिए करना था क्योंकि उसकी लोकेशन लीक हो गई थी, दो ग्रुप्स उसके पीछे पड़े थे, एक तो जुजुत्सु वर्ल्ड को काबू में करना चाहता था और दूसरा ग्रुप मास्टर टेंजन को भगवान की तरह मानता था, जिस वजह से वो ग्रुप चाहता ही नहीं था कि मास्टर टेंजन किसी भी लो लाइफ ह्यूमन के साथ मर्ज करे। लेकिन गोजो की सभी कोई चिंता नहीं थी, वो कैजुअली ये बोल देता है कि वी आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट। और जब वो लोकेशन पे पहुंचते हैं तो तभी एक बिल्डिंग में से धमाका होता है और उसी लड़की को यानी स्टार प्लाज्मा वेसल को बिल्डिंग के बाहर कोई फेंक देता है, यानी मारने की कोशिश होती है ये, और इसके पीछे और कोई नहीं क्यू ग्रुप था। लेकिन वो ये देख के शॉक हो जाता है कि गेटो एक कर्स पे उड़ते हुए उस लड़की को बचा लेता है, लाइक इट वॉज अ पीस ऑफ केक। इसका दूसरी तरफ हम देखते हैं गोजो को, जो कि थोड़ा रिलीफ में होता है कि वो सही टाइम पे पहुंच गए, लेकिन तभी उस पर काफी सारे नाइफ से हमला करता है कोई, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी थी ना, वो आसानी से बच जाता है इन सब से। और जिसने ये नाइफ फेंके थे वो भी क्यू ग्रुप का ही कोई सोल्जर था, जिसके बाद वो सोल्जर गोजो से ये बोलता है कि अच्छा तुम हो सातोरू गोजो, मैंने सुना है तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, जरा ये प्रूफ करके दिखाओगे कि वो सारे रूमर सच है भी कि नहीं। इस पे गोजो हंसते हुए बोलता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन एक रूल बनाते हैं, जिस पे वो सोल्जर कंफ्यूज रूल। जिसके बाद गोजो अपनी बात कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि आई डोंट वांट टू गो ऑल आउट एंड गेट इन ट्रबल, तो इसलिए अभी रोलो और गिड़गड़ा लो तो शायद मैं तुम्हें ना मारूं। देख रहे हो बंदे की एज कुछ भी हो लेकिन एटीट्यूड हमेशा से सेम था इसका। इसके बाद हम ये देखते हैं कि गोजो और गेटो ना सिर्फ उन दोनों को हराते हैं, ऊपर से उन दोनों को जिंदा ही कैप्चर करते हैं। अब क्योंकि ये दोनों सोल्जर सबसे स्ट्रांग सोल्जर थे क्यू ग्रुप के, तो इनके हारने पे पूरा ग्रुप ही डिस्पेंड हो जाता है। लेकिन इस सबके ही बीच रिलीजियस ग्रुप एक बहुत ही खतरनाक बंदे को हायर करता है उस लड़की को मारने के लिए, जो कि होता है वन एंड ओनली तोजी फुशिगुरो, जो कि कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट बताने वाले गोजो और गेटो को आसानी से हरा देता है। लिटरली उसके लिए चाइल्ड्स प्ले था ये, और उस लड़की को मार के वो अपना मिशन भी पूरा करता है।
अब क्योंकि ये सारी फाइट और ये सब चीजें मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखी है, तो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करने वाला। लेकिन ये सारी फाइट के बाद जब गोजो तोजी को हरा देता है और रिलीजियस ग्रुप से रीगो की बॉडी छुड़ा कर ला रहा होता है, तो वापस आते समय उसे गेटो मिलता है और उन दोनों को ही काफी ज्यादा दुख था। वो खुद को ही दोष दे रहे थे कि ये सब होने के लिए वो दोनों जिम्मेदार हैं। लेकिन तभी गोजो गेटो से ये पूछता है कि शुड वी किल दिस गाइस, क्योंकि यार वो सारे ग्रुप के मेंबर लिटरली हंस रहे होते हैं रीगो की मौत पर, जिससे साफ क्लियर हो जाता है कि कई बार अंधविश्वास लोगों को किस हद तक पहुंचा जाता है, किस तरीके का इंसान बना देता है। जिस पे गेटो मना कर देता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब में से मुझे नहीं लगता कोई भी टॉप लीडर है इस ग्रुप का, क्योंकि वो ऑलरेडी भाग चुका होगा, तो इन सबको मानने का कोई फायदा ही नहीं होगा। इस सब के आधा में एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की शोको और गेटो दोनों एक साथ गोजो पर अटैक करते हैं पेन और रबर से, लेकिन वो दोनों चीजें गोजो को छू तक नहीं पाती, वो भी बिना उसके कुछ भी करे, जो देख के गेटो और शोको दोनों शौक हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा करने के लिए गोजो को पहले अपना टारगेट सेट करना पड़ता था कि इस पे अपनी टेक्निक अप्लाई करनी है, जिस पे गोजो ये एक्सप्लेन करता है कि जो चीज वो मैनुअली कर रहा था उसने ऑटोमेटिक कर दी है। अब वो ये चीज कैसे कर पा रहा है हम गोजो वाली वीडियो में देखेंगे। और यही नहीं, गोजो मल्टीपल रेड और ब्लू यूज कर सकता था, सेल्फ रिकवरी जुजुत्सु यूज कर सकता था, और साथ ही साथ वो अपने क्लोज रेंज टेलीपोर्टेशन को भी मास्टर करने की सोच रहा था। और ये सारी चीजें देख के गेटो को ये क्लियर हो जाता है कि गोजो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर बन चुका है। इसके बाद गोजो गेटो से ये पूछता है, क्या तुम्हारा वेट कम हो गया है, तुम सही हो कि नहीं, क्योंकि गोजो भी ये रियलाइज कर चुका था कि गेटो बदला बदला सा हो गया है। लेकिन इस सब के रिप्लाई में गेटो सिर्फ एक चीज बोलता है, इट्स जस्ट समर स्ट्रेस। और उसके ऐसा होने का रीजन ये था कि गोजो ज्यादा मिशंस को अकेला ही हैंडल कर सकता था, शोको डेंजरस मिशंस पे जाती नहीं है, तो वो काफी टाइम से अकेला ही वक्त बिता रहा था। ऐसा नहीं है गेटो मिशंस नहीं करता था, वो भी करता था लेकिन अकेले। और गेटो ये एक्सप्लेन करता है कि उसने कितनी सारी कर्सेस को एक्सोसाइज किया है और इसे इंजेस्ट भी करना पड़ता है उन्हें, जिससे कि एज अ कर्स मैनिपुलेटर वो उन्हें यूज कर सके। लेकिन गेटो के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि एक कर्स को निगलने पे कैसा टेस्ट आता, क्योंकि गेटो के अकॉर्डिंग ये एक्सपीरियंस सेम वैसा ही होता है जैसे कि तुमने किसी वॉमिट को एक कपड़े से पोंछा हो और वो कपड़ा तुम निगल रहे हो। और वो ये सब किसके लिए कर रहा था, उन लोगों के लिए जो कि एक इंसान की मौत पे हंस रहे थे, क्लैप कर रहे थे। और उसी दिन से, उसी इंसिडेंट के बाद से गेटो खुद से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है कि वो चीज जो उसने देखी थी वहाँ पर वो अनयूजुअल नहीं थी, इस सब के बारे में तो उसे पहले से पता था, क्योंकि अगर तुम एक शामन हो या बोलू सॉर्सरर हो तो इन सब चीजों को तो हैंडल करना ही पड़ेगा, उसे पता था पहले से। लेकिन उन सारे लोगों की क्रीपी और फ्रस्ट्रेटिंग हंसी उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि गेटो जो कि वीक लोगों को प्रोटेक्ट करने की बात किया करता था, बंदे को उनकी शक्ल भी हैंडल नहीं हो रही, फकिंग मंकीज बोल देता है उन्हें। इसके बाद हम ये देखते हैं कि गेटो से एक साल जूनियर लड़का उससे मिलने आया होता है, क्योंकि वो एक मिशन पे जा रहा होता है काफी दूर, जिससे बीच कन्वर्सेशन में ही गेटो ये पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम शामिल बने रहना चाहोगे, क्या तुम्हारे लिए काफी ज्यादा रफ नहीं है। तो इसके रिप्लाई में बच्चा ये बोलता है कि वैसे मैं इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान तो देता नहीं, लेकिन हाँ ये चीज मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे करने में मजा आता है, और जो चीज करने में मजा आता है उसे करने का कोई रीजन नहीं होता। ये सब सुन के गेटो थोड़ा शॉक्ड। इसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है एक लड़की की, और वो आते ही अजीब सा क्वेश्चन पूछती है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज योर टाइप, यानी समझे ये दो दो की मास्टर है। लेकिन उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए गेटो ये पूछता है कि तुम हो कौन। लेकिन तभी वो जूनियर बीच में बोल पड़ता है कि मुझे वो लड़कियां पसंद है जो कि खाती ज्यादा है, और वो गेटो को ये भी विश्वास दिलाता है कि ये औरत बुरी नहीं है क्योंकि मुझे अच्छे और बुरे पर्सन की काफी अच्छी खासी परख है। लेकिन पता है गोजो उसके बाद क्या बोलता है, अच्छा तुम मेरे बगल में बैठ के भी ये चीज बोल पा रहे हो, यानी गेटो खुद इस बात पर कंफ्यूज्ड है कि वो अच्छा है या फिर बुरा। इसके बाद वो जूनियर वहां से कट लेता है, और हमें ये पता चलता है कि ये लड़की स्पेशल ग्रेड शामन है, यानी स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, जिसका की नाम था यूकी, जिस पर गेटो ये बोलता है अच्छा तुम हो वो, क्योंकि ये लड़की कर्ज स्पिरिट को एक्सरसाइज करने से ज्यादा इस बात के लिए फेमस है कि एक स्पेशल ग्रेड होते हुए भी वो किसी भी मिशन पे नहीं आती, बस इधर उधर घूमती रहती है, ट्रिप्स पे जाती रहती है, क्योंकि जुजुत्सु है जिस तरीके से चीजों को हैंडल करता है वो इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसे ये लगता है कि प्रॉब्लम को उसके सिम्टम्स के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं ये लोग, जबकि प्रॉब्लम को उसके कॉज के थ्रू सॉल्व कराया जाता है। और ये सुनके गेटो का थोड़ा इंटरेस्ट बनता है कि कॉज को सॉल्व करना, जिसके बाद ये लड़की यानी यूकी ऐसी चीज बोलती है जिससे कि गेटो की पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो ये बोलती है कि मैं कर्ज स्पिरिट्स को तो हंट करना ही नहीं चाहती, मैं एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहती हूँ
जहाँ पे की एक कर्सेस बॉर्न ही ना हो, जिसपे गेटू भी लाइक ये लड़की बोलना क्या चाहती है। लेकिन यूकी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलती है कि तुम ही बताओ व्हाट आर कर्ज स्पिरिट्स। इसके आंसर में गेटू ये बोलता है एक्सिस कर्स एनर्जी जो ह्यूमंस लीक करते हैं वो इकट्ठा होकर कर्सेस को जन्म देती है। तो इस पे यूकी ये बोलती है कि एक्सीलेंट, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब दो ही तरीके हैं ऐसा वर्ल्ड बनाने के जिसमें कि कर्ज स्पिरिट्स बॉर्न ही ना हो, या तो पूरी ह्यूमैनिटी की कर्स एनर्जी को ही खत्म कर दिया जाए, या फिर सारे ह्यूमंस को कर्स एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाया जाए। जिसमें से पहला ही केस यूकी को सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि एक तो ये पॉसिबल भी लगता है और ऊपर से इसका एक मॉडल केस भी प्रेजेंट है जो कि था तोजी। क्योंकि यूकी ने काफी सारे लोग देखे जिनको की हेवनली बाइंडिंग कर्स की वजह से रेगुलर सिविलियन जितनी ही कर्स एनर्जी मिलती है, लेकिन वो इकलौता ऐसा बंदा था जिसपे की एग्जैक्टली जीरो कर्स एनर्जी थी। और यही इंटरेस्टिंग चीज नहीं थी उसके बारे में, क्योंकि भले ही उसके पास कर्स एनर्जी नहीं थी लेकिन वो अपनी पांचों सेंसेस से कर्सेस को महसूस कर सकता था। तो इसलिए यूकी ये भी बोलती है कि इसमें कोई शेम नहीं है कि तुम ऐसे बंदे से हारे। और इन्हीं रीजंस की वजह से यूकी उस पर रिसर्च भी करना चाहती थी, लेकिन तोजी ने साफ मना कर दिया। और अब क्योंकि वो चला गया है तो यूकी ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही है जिसपे की हमें एक लड़की का फोटो दिखाया था। जी हाँ, माँ की है। अब जितना गेटो शुरुआत में इंटरेस्ट था उसकी बात सुनने के लिए, उतना ही वो बोर होने लग जाता है। लेकिन फिर भी यूकी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए ये बोलती है क्या तुम्हें पता है कि शामंस किसी भी तरीके की कर्स्ड स्पिरिट्स बना ही नहीं सकते, क्योंकि एज कम्पेयर टू रेगुलर पर्सन शामंस से कर्स एनर्जी बहुत बेयर मिनिमम लीक होती है, बिकॉज वो ट्रेंड रहते हैं अपनी कर्स एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए थ्रू देयर कर्स टेक्निक्स। तो इसका मतलब अगर पूरी ह्यूमैनिटी शामंस होती यानी सॉर्सरर होती तो कोई भी कर्स बॉर्न ही नहीं होती। और ये चीज सुन के तुम गेटो के एक्सप्रेशन से ही अंदाजा लगा सकते हो कि वो क्या सोच रहा है, जिसके बाद वो एक ही चीज बोलता है तो क्या हमें नॉन शामंस को मार देना चाहिए। जिसपे सही में ये बंदी इस बात को इग्नोर ना करके ये और बोल देती है दैट्स अ डिसेंट प्लान। जिसपे गेटो पसीने छोड़ते हुए ये बोलता है अरे बिल्कुल नहीं। जिसके बाद यूकी ये भी पूछती है कि क्या तुम नॉन शामंस को हेट करते हो, तो गेटो जो कि नॉन शामंस को प्रोटेक्ट करने की बोला करता था जवाब में ये बोलता है कि आई डोंट नो। क्योंकि गेटो खुद ही ये मानता है कि शामंस यानी सॉर्सरर्स एग्जिस्ट ही करते हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम से जिन लोगों को वो प्रोटेक्ट कर रहा है उनकी वर्थ बहुत शेकी सी लग रही है उसे। मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि वीक होना उनकी प्रीशियसनेस है या फिर अगलीनेस। बंदा कम्प्लीटली कंफ्यूज हो चुका है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। जिसके बाद भैया यूकी फिर से चल देती है अपनी राइड पे, और जब वो निकलने वाली होती तो हमें पता चलता है कि वो तो स्पेशल ग्रेड है ही, साथ ही साथ गोजो और गेटो ये दोनों भी स्पेशल ग्रेड कैटेगरी में एंटर कर चुके हैं। और जाते जाते भी ये औरत आग में घी डालते हुए ही जाती है, क्योंकि गेटो से वो ये बोलती है कि चिंता मत करो स्टार प्लाज्मा वेसल के बारे में, या तो उन्होंने कोई और वेसल तैयार कर ली होगी या फिर कोई और वेसल ऑलरेडी बॉर्न हो चुकी होगी जिसको की वो तैयार कर रहे होंगे, जिस वजह से तेंजन सामा को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, वो स्टेबल रहेंगे। इसके बाद अगले ही पैनल में हम देखते हैं नानामी को जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होता है और इंजर्ड भी होता है, क्योंकि जिस मशीन पे वो कर्स को एक्सरसाइज करने गया था वो बताया तो सेकंड ग्रेड गया था लेकिन निकला फर्स्ट ग्रेड। और इसका अंजाम हम अगले ही पैनल में देखते हैं कि वो जूनियर मर चुका होता है और अपने जूनियर की लाश को देख के गेटो सच में सोच में चला जाता है कि ये जो हम सॉर्सरर्स कर रहे हैं इसके आगे आखिर रखा क्या है, सॉर्सरर्स की लाशों का टीला। इसके बाद गेटो को एक मिशन मिलता है जिसके अकॉर्डिंग उसको कर्स स्पिरिट को एक्सरसाइज करना है जो मिस्टीरियसली लोगों को गायब कर रही है और मार रही है। और जब वहाँ के लोग जहाँ पर की ये हो रहा था गेटो को ये सब होने का रीजन दो लड़कियों को बताते हैं और इनफैक्ट उन्हें गालियाँ देते हैं, तो सही में गेटो की काफी ज्यादा सटक जाती है। और इसके बाद क्या होता है तुम गैस कर ही सकते। और इसके 5 दिन बाद ये पता चलता है कि उस विलेज में 112 लोग मर चुके हैं जिन सबके मरने का रीजन कर्सेस थे, लेकिन एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये सारे कर्स्ड स्पिरिट्स गेटो के थे। और गेटो के इस एक्शन की वजह से जुजुत्सु के आर्टिकल 9 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग गेटो को ऑन साइट मारने का ऑर्डर दिया जाता है, और इस तरह गेटो की क्रिमिनल जर्नी या फिर बोलूं विलेन की जर्नी शुरू होती है। अब ऑब्वियसली गोजो को जब ये बात पता चलती है तो बंदे को विश्वास नहीं होता है कि गेटो ऐसा कर सकता है। गोजो के एक्सप्रेशन से ही तुम समझ सकते हो कि कितना ज्यादा शॉक्ड है बंदा। और यही अगर काफी नहीं था तो गेटो ने अपने पेरेंट्स तक को मार दिया था क्योंकि वो नॉन शामंस थे। और ये सुन के सही में गोजो पसीने छोड़ देता है।
लेकिन प्रिंसिपल यागा को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा कर क्यों रहा है। इसके बाद हम देखते हैं शोगो को जो कि स्मोकिंग एरिया में ऑब्वियसली स्मोक करने आई होती है, लेकिन वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है गेटो से। और जब शोगो ये पूछती है कि आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो, तो सिंपली गेटो ये जवाब देता है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करेगा जिसमें कि सिर्फ शामन से एग्जिस्ट करते हो। इस चीज पे शोगो मुस्कुरा जाती है एंड ऑब्वियसली कोई भी इस चीज को मजाक ही समझेगा, लेकिन गेटो सीरियसली बोलता है कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मुझे जरूरत भी नहीं कि हर कोई मुझे समझे। लेकिन गेटो की इस बात को इग्नोर करते हुए शोगो तुरंत ही गोजो को फोन घुमाती है। इसके बाद जब गोजो और गेटो की मुलाकात होती है तो सही में गोजो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और गेटो से सारी चीजें एक्सप्लेन करने को बोलता है कि आखिर वो क्यों सारे नॉन शामंस को खत्म करने के पीछे लगा हुआ है, इवन उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा। जिस पे गेटो सिंपली ये बोलता है कि अगर मैं सही में कुछ बदलना चाहता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को एज अ एक्सेप्शन यूज नहीं कर सकता। जिसके जवाब में गोजो ये बोलता है कि मुझे लगा था तुम किसी को भी बिना कोई रीजन के मारने के अगेंस्ट में हो, लेकिन गेटो फिर से कालमली ये बोलता है कि नहीं इसके पीछे भी कोई पर्पस है। जिस पे गोजो इरिटेट होते हुए ये बोलता है कि नहीं इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है, क्या मतलब तुम सारे नॉन शामंस को मार दोगे, ये तरीका किसी भी कीमत पे वर्क नहीं करेगा। लेकिन गेटो ये बोलता है कि तुम्हारे लिए तो पॉसिबल है ना ये, तो फिर क्यों तुम इस आइडिया को इम्पॉसिबल बोल रहे हो। जिस पे गोजो ये बोलता है कि आखिर भैया कहना क्या चाहते हो तुम। इसकी रिप्लाई में गेटो ये बोलता है कि आई एम श्योर अगर मैं तुम होता तो ये आइडियल फुलिश आइडिया भी इम्प्लीमेंटेबल होता। और जाते जाते भी गेटो ये बोलता है कि मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मुझे कैसे जीना है, तो इसलिए जैसे मुझे जीना है उसके लिए जो मन पड़ेगा वो मैं करूंगा। और इतने में गोजो तैयार हो जाता है अपना अटैक करने के लिए, लेकिन गेटो भागता नहीं है, वो तो इवन ये ही बोलता है कि किल मी इफ यू वांट देयर इज अ मीनिंग टू दैट। लेकिन गोजो अपने बेस्ट फ्रेंड को मारता कैसे, जिस वजह से गेटो वहां से बच निकलता है। तो इस तरह गेटो अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर लेता है जैसे कि हमने उसे जुजुत्सु काइसेन जीरो में देखा था। और दूसरी तरफ गोजो मेगुमी के पास जाता है उसे अपना स्टूडेंट बनाने, और इस तरह दो दोस्त जो कि काफी ज्यादा जिगरी दोस्त थे अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओपिनियन। और इस सब के पीछे सिर्फ एक इंसिडेंट था, तोजी फुशीगोरो का हमला और नीको की मौत, जो कि मैंने पूरी तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन इस वीडियो में कर रखी है। दैट्स इट आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 8K लाइक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।